एक इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर वी शुड बी प्राउड टू हैव इन पाकिस्तान हमारा इंस्टीट्यूशन ही वैसे हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन अच्छा इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आज मैं तो मिनी मार्केट की, की साइड के ऊपर था पिक आ, कुछ अर्सा पहले वैसे ओ यूपी की मैं अपनी दुकानें वगैरह सारी यहाँ पर बंद कर दी हुई थी और गवर्नमेंट उससे मुझे बंद करवाना चाह रहा था तो आज मैं गया तो वहाँ पर बीच में किताबें उठा के लाएं और वहाँ पे मेरे ख्याल में एक और अजीम वकील मेरे तरीके के सलमान अक्रम राजा साहब भी वहाँ पे मेरा हमारा टाकरा हुआ हमारा एक जनाजे के ऊपर गए हुए थे पास ही तो वहाँ पे टाकरा हो गया अब सारे जो ग्रेट माइंड्स हैं वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जाते हैं और वहाँ से किताबें लेते हैं बिकॉज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इनसे बेहतर कोई किसी की किताबें नहीं है अंग्रेज़ी के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड रेले, जो छपती हैं तो मेरी सजेशन आपको ये होगी अगर आप आसपास पास हैं लाहौर के अंदर हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाइए अच्छे डिस्काउंट के ऊपर भी किताबें मिलती हैं वैसे भी मिलती हैं कौन सी किताबें उठाइएँ चले मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले उर्दू के लिए बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके लिए ये छोटी छोटी पतली पतली किताबें एक सौ साठ रुपए की डिस्काउंट के साथ आई थिंक फिफ्टी परसेंट ऑफ़ भी बल्कि चंद तो नाइन्टी परसेंट ऑफ पे भी मिल रही है मुख्तलिफुरा के ऊपर एक एक ये मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ कल कल कलकत्तवी कलकत्ता से थे आई एम आजन अभी तो पढ़ा नहीं शादीमाबादी इनकी अच्छी चीज़ें ये हैं कि तरतीबोारफ मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब ने इनके अंदर किया हुआ है तारफ़ जो हैं ये मुख्तफ जो शुरा हैं उर्दू के ज़्यादा नॉन नहीं और जो नॉन है उन पर भी बड़ा अच्छा लगता है दो दो सफ़ों का उनके ऊपर इंट्रोडक्शन और इनकी सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है तो ये पकड़ के आप अपने पास सारी की सारी सीरीज़ जमा करें राजा साहब भी पिकअप कर रहे थे डेफिनेटली मजा, मजाज की आउट ऑफ प्रिंट थी और शायद एक और जगर मुरादा बाद, बादी की भी वो ठीक कर रहे थे वो उनके पास नहीं थी बट जो अवेलेबल हैं उठा लीजिए जल्दी ज़रूरी है सस्ती के अंदर एक आ, साथ ही वहाँ पे पड़ी फैज़ की फिफ्टी पॉइंट्स अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन के साथ महमूद जमाल साहब ने सेलेक्ट और ट्रांसलेट करके की हुई और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह आज़ादी ये दाग दाग जाला, ये सहर, वो जला ये सब गुजीदा शहर वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू ले कर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं uh, फलक के दश्त व तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा शब uh, शब सुस्त माज, सुस्त मौज सुस्त मौज का uh, सहल uh, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है पढ़ मैं ये इसलिए रहा हूँ फ्रीडम इज डॉन ट्रांस सुबह आज़ादी चलने ठीक आज़ादी की सुबह फ्रीडम इज डॉन तो डॉन ऑफ फ्रीडम होगा कि आज़ादी की सुबह खैर अगस्त उन्नीस सौ द डॉन दैट्स मार्क्ड एंड वेड शब गुजीदा शहर uh, ये डॉन द डॉन दैट द नाइट हैज निबल डॉन वो था जिसका ये वो है आई डोंट नोट बहुत ही माटी ट्रांसलेशन है वैसे इट्स नॉट द डॉन वी एक्सपेक्टेड नहीं वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर इट्स नॉट द डॉन वी वर लुकिंग फॉर आरजू लेकर लुकिंग फॉर तो नहीं प्रॉबली होपिंग फॉर या डिजायर लेके विशिंग फॉर फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल फ्रेंड्स कॉमरेड सेट आउट थिंकिंग समवेयर इन द डेजर्ट ऑफ द स्काई ठीक है uh, कह, कहीं तो होगा शबे सत मौज सुस्त मौज

प्रॉब्ली पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले भी रिकमेंड की एक और कॉपी मैंने उसकी उठा ली ब्लॉरेंस जेरिंग फोत हो चुके हुए उनकी अगर आपने ओवरऑल किसी न्यूट्रल अगर कोई हिस्ट्री पाकिस्तान की तारीख की पकड़ पढ़नी है और बीच में जो चीज़ें हुई ये आउट ऑफ प्रिंट थी दोबारा छपी है और इस दफ़ा आठ सौ रुपए की छपी है और डिस्काउंट के साथ आई थिंक चार सौ पाँच पहले आई थिंक सिक्स नाइन्टी फाइव की थी अब आठ सौ की हो गई है डेफिनेटली वर्थ रीडिंग अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी पोइम्स फ्राम इकबाल यह मैंने अभी तक खोली नहीं बीच में पढ़ के भी देखूंगा ये भी उठा के लाया हूँ साथ ही वो जो शोरा वाली दिखा रहे थे तो लोक चंद महरूम महरूम और मुबारक अजीमा बदी इनका मैंने तीनों चारों का कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए आई थिंक गाड़ी में रख uh, के एक इंपॉर्टेंट किताब जो कि हमारे दोस्त uh, वकार राना साहब ने हामिद खान साहब के साथ मिल के किए कम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपरबैक में आ गई पहले हार्डबैक में भी ट्वेंटी टू नाइन्टी फाइव की आई थिंक थी सत्रह सौ पचास के अंदर और डिस्काउंट के साथ आई थिंक टेन परसेंट उन्होंने डिस्काउंट दिया पंद्रह सौ सोलह सौ के अंदर ये है uh, हामिद खान साहब की आई मीन वहाँ पे राजा साहब भी बात कर रहे थे खान साहब का हामिद खान साहब की एक डेफिनेटली अचीवमेंट है कि वो किताबें लिखते रहते हैं जो कि हमारे हम तमाम लीडरान और तमाम जो इंटलेक्ट ग्रेट इंटलेक्चुअल्स हैं वो कम करते हैं बट खान साहब का डेफिनेटली तो राम्तिया कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और इनहेरिटेंस uh, के ऊपर भी किताब मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर भी किताब मौजूद है और वंस अगेन इट लुक लाइक एन एक्सेलेंट बुक वहाँ पर खुली हुई पड़ी हुई थी मैंने अभी तक बीच में खोली नहीं पढ़ती आपको वैसे रिव्यू करूँगा एक किताब जो कि फिर दोबारा मैंने ख़रीदी है मैं रिकमेंड करता हूँ पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर आपने पढ़ना है तैमूर सुमरों का आई बिलीव यू शायद उसको उनका थीस था ये कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ लगता है आ, हमारी जो जजमेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ, आ, सारी की सारी जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ़र एक्सेप्टेंस की हम अभी भी गोरों के पढ़ते हैं हमारी अपनी जजमेंट्स में मौजूद है और तैमूर सुमरों की इस किताब के अंदर अच्छी चीज़ कम अज़ कम ये मुझे लगती है कि कम अज कम हमारे लोकल लॉ को एड्रेस करते हुए और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पा, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन वो अवॉइडबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये वो सारी की सारी एड्रेस करके यहाँ पे की हुई तो अगर पाकिस्तान में आपने कॉन्ट्रैक्ट आकर इमार्जन ज़्यादा जगह के ऊपर ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही होगी एज अ टेक्सट बुक बट दिस इज़ समथिंग आई वुड रिकमेंड चेकिंग आउट पाकिस्तान में दूसरी एक और किताब जो उठाई है जो मैं हर दफ़ा उठा लेता हूँ वहाँ से और बहुत ज़बरदस्त किताब है हार्ड बैग के अंदर अगर पाकिस्तान की शायरी का आपको शौक है ये आपको नबे फ़ीसद ऑफ मिल रही होती सिक्सटीन नाइनटी फाइव की किताब है कार्लो कोपोलो की है उर्दू की जो मॉडर्न शाय शायरी है प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो है उसकी हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी अंग्रेज़ी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि उर्दू की चंद ज़्यादातर जो बेहतरीन किताबें हैं बेशुमार तो आई मीन उर्दू में भी आपको अच्छा क्रिटिसिजम मिल जाता है लेकिन अंग्रेजी में मिलती हैं तो इट्स लाइक like, uh, i mean, for example, here uh, all, all india pakistan uh, progressive writers association. Um, jung or shah, quoted in jung or shahri, Ahmeduddin Qasmi me more vivid. in his description, is less lyrical, more realistic. i have seen the heap of corpses on the roadside and the well-fed in the da dance halls. i have seen every aspect of this paradox, but.

मीरा जी वग़ैरह और उनकी भी अप्रिसिएशन अच्छी है फैज़ अहमद फैज़ का कंपेरिजन विद इकबाल सो अनदर इम्पॉर्टेंट और यूजफुल बुक फॉर एनी वन टू बाय सो ये किताबें मैंने उठाई थी एंड आई थिंक मैंने दो लिफाफे पकड़े थे दूसरा लिफाफा किधर गया दूसरा लिफाफा किधर गया एक आई थिंक किताबों का एडिक्ट आप जब तक सब्र होंगे जब आपका ख्याल होता है आपको पता भी नहीं होती आपने किताबें कितनी ख़रीदी और आप ढूंढते हैं यार शायद और भी मैंने ख़रीदी हूँ सारी की कि, सारी किताबें भी मैंने बिल चेक किया है पाँच हज़ार आठ सौ रुपए डिस्काउंट के बाद आ, किताबें महंगी हैं रिलेटिवली स्पीकिंग इसलिए मैं यूज किताबों और उन साइड के ऊपर जाता हूँ और ये दफ्तर के खाते के अंदर एक्चुअली ज़्यादातर चूँकि लॉ से रिलेटेड हैं चंद लॉ से रिलेटेड हैं दफ्तर के खाते में डालूंगा तो वहाँ पर तो बचत हो जाएगी बाकी अपने लिए अपने पे किताबों का ख़र्चा करना चाहिए और ख़ास तौर पर अगर कमाई वगैरह हो रही हो अल्लाह के फज़ल से नए साल के ऊपर दिस इज़ माई गिफ्ट टू माई सेल्फ आप भी अपने आप को ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में जाके अपने आप को खास तौर पर बच्चों की किताबें भी बहुत अच्छी मौजूद हैं डू ट्राई दम आउट एंड आई होप यू एंजॉय दम और नया साल सर पर आ गया है क्रिसमस हो चुकी हुई है मैसेज वग़ैरह तो किए थे मेरी क्रिसमस हैप्पी हानों का और सीजन ग्रीटिंग्स और नया साल मुबारक हो और सारे के सारे इन अगले साल के अंदर अगर और किताबें ना ख़रीद ली तो अगले साल के अंदर मुलाकात होती है अगर और किताबें खरीदी तो शायद पहले ही गुफ्त गु हो जाए तो अब घर जाने का वक्त है आप भी इंजॉय करें ठंड से बच के रहें और किताबें इंजॉय करें बाय बाय